धोखा ना देना कि अभी कुछ और बोल रहे हो बाद में कुछ और। सो इधर तो बिल्कुल मेला जैसा माहौल बना दिया। आज फाइनली मैं वोटिंग करूंगी यार। ये भैया कह रहे थोड़ा पैसे बढ़ा दीजिए तो भैया घुमा देते आगे। ये देखो यहाँ पे प्रसाद खा रहा है। सो यहाँ से वोट से आज पहली बार देख। आई लव माय लखनऊ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। सो दोस्तों, आज का व्लॉग का प्लान मेरा कुछ और था पर कुछ और बन गया। एक्चुअली मैं गई थी मेले को एक्सप्लोर करने के लिए जो कि जानकीपुरम में लगा है, सावन का मेला। लेकिन दिन के टाइम में यार वो मेला ओपन नहीं होता है, शाम के वक्त होता है। सो आई वॉज लाइक भाई बहुत दूर से आई थी मैं, मतलब 26 किलोमीटर तो दूर है मेरे घर से। लेकिन यार जब बंद था तो ऐसा हो गया था भाई, पूरी मेहनत मतलब बेकार हो गई, मतलब इतने दूर गई मैं और लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे। सो देख लो इतनी मेहनत करती हूँ मैं, सो नेक्स्ट टाइम जाएंगे। सो अभी मैं आ रखी हूँ हनुमान धाम में और यहाँ पे आज मेरा वोटिंग करने का बहुत मन था। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लिटरली बहुत टाइम से। सो आज मैं आ चुकी हूँ वोटिंग करने के लिए। सो दर्शन करेंगे उसके बाद वोटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन से खचक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और आज बहुत भीड़ है। सो आज बहुत भीड़ है यहाँ पर यार, आज क्योंकि संडे है इस वजह से काफ़ी भीड़ है। और ये देख सकते हो क्राउड कितना ज़्यादा है। ये बजाने वाले भी यहाँ पे आ रखे हैं आज। वाओ, हनुमान धाम के मैंने बहुत सारे पहले व्लॉग्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे तो नहीं लेकिन 2-3 बनाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना। और पहले हम लोग सोचे पहले बोटिंग ही कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने शूज़ पहने हुए हैं तो उतारने पड़ेंगे ना बाहर से जाके, इसलिए हम लोग पहले इधर जाके मतलब वो कर लेते हैं, बोटिंग कर लेते हैं और उसके बाद जाके दर्शन करेंगे। सो इधर तो बिल्कुल मेला जैसा माहौल बना दिया गया है। मंदिर उधर उस साइड है और इधर साइड बिल्कुल खाने पीने की चीज़ें और ये खिलौने वगैरह बच्चों के, और इधर के साइड बोटिंग। सो ये देख सकते हैं भैया लोग बैठे हुए हैं, पूछना पड़ेगा भैया कितने का है, कितने का है? पूरी बोट और दो लोगों का? दो लोग जाएंगे 300 रुपए। तो शेयरिंग वाला कौन सा है? हाँ तो शेयरिंग भैया हमारे लिए शेयरिंग ही ठीक है। किस वाले में बैठा है? शेयरिंग वाला कौन सा भैया, कौन सा वाला है? हाँ बैठाओ। धोखा ना देना कि अभी कुछ और बोल रहे हो बाद में कुछ और। ये आज फाइनली मैं वोटिंग करूंगी यार, काफी टाइम से मेरा मन था और आज वो दिन का आ चुका है जब मैं वोटिंग करूंगी। सो गोमती नगर के रिवर में आज मैं आराम से बैठकर, और ये शेयरिंग वाला है तो जिसपे आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे पर पर्सन के। वैसे अगर आपको पूरी बुक करानी हो तो 300 रुपये पड़ेंगे। सो हम तो भैया थोड़े गरीब इंसान है तो 50-50 वाला कह रहे हैं शेयरिंग वाला। सब हमारी बोट चल दी है। सो आज बोट मैं पहले देखती थी और आज मैं खुद बोट पे बैठ चुकी हूँ ये, और मेट्रो तक भैया कह रहे हैं वहाँ तक ले जाएंगे शेयरिंग वाला जो होता है ना। वैसे तो पता नहीं 300 रुपये की बुकिंग होती थी तो वहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन यहाँ मेट्रो तक हमें ले जा रहे हैं शेयरिंग वाला। सब बोटिंग का मजा ले रहे हैं संडे के दिन। हेलो सबको, भैया संडे के दिन ऐसा होता है कि सब फैमिली के साथ आते हैं, सो एवरीवन इज लाइक एंजॉयिंग। आई लव माय लखनऊ। सो आज हम मेट्रो के नीचे आ गए भाई, ऊपर तो कभी नहीं गई मैं एरोप्लेन से, लेकिन नीचे जरूर आ गई हूँ आज बोट की मदद से। सो ये देखो, वाह यहाँ पे व्यू तो डोंट एक्सपेक्ट, मतलब कि आपको कुछ अच्छा मिलेगा बट मज़ा आए। सो दोस्तों यहाँ मेट्रो के नीचे से आकर भैया ने मोड़ लिया, भैया कह रहे थोड़ा पैसे बढ़ा दीजिए तो भैया घुमा देते आगे, लेकिन हम भी गरीब हैं। वो कह रहे हमसे गरीब नहीं होंगे लेकिन उनको क्या पता है कि हम भी कितने गरीब हैं। सो बस इतना भी हमारे लिए काफ़ी है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए, अदरवाइज़ मैं बोट में भी बहुत मुश्किल से बैठती हूँ।
सो अच्छा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी हवा भी आ रही है और ऊपर से मेट्रो भी आई थिंक जा रही है, आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी। और आज मौसम बहुत सुंदर हो रखा है लखनऊ का, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, लेकिन मौसम अच्छा है उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। पानी छू भी नहीं सकता अभी ये। इसको थोड़ा और भी साफ कर दिया जाए ना नदी को, तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी अभी ना बदबू नहीं आ रही है ज़्यादा, है ना, अभी बिल्कुल मतलब हाँ। अदरवाइज लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो काफ़ी स्मेल भी कर रहा था, लेकिन अभी ठीक है। अभी बरसात के पानी की वजह से मुझे लगता है शायद से थोड़ा बहुत असर हुआ, इधर चला गया पानी आगे। सो यहाँ से बोट से आज पहली बार देखो हनुमान धाम का व्यू आप लोगों को दिखा रही हो, कितना सुंदर लग रहा है। ये बजरंगबली का मंदिर है, उधर पीछे भोलेनाथ जी का मंदिर है और सब दर्शन करने आ रखे हैं और सब यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं काफ़ी, अपने फैमिली के साथ सब लोग आ रखे हैं। सो आज बहुत क्राउड है, सो कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग अंदर दर्शन कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग खा पी रहे हैं। बीच में बैठी तो ठीक है, अदरवाइज इधर जा रही हो तो टेढ़ी होती जा रही है ये। सो थोड़ा आराम से बैलेंस करके बैठना पड़ रहा है। और यार सही है, मजे तो है इसके बोट के। और कहाँ कहाँ पे बोटिंग होती है भैया लखनऊ पे, पता है आपको कहाँ पे? अच्छा वो गुमतेश्वर ना, गुमतेश्वर के, हाँ गुमतेश्वर में भी होती है, जहाँ मैंने दिखाया भी है, वहाँ का भी ब्लॉग बनाया है, आप लोग जरूर देखिएगा। सफर जो था वो खत्म हो चुका है बोटिंग का, सो भैया लगा रहे। बोटिंग का एरिया तो उधर था और इधर पूरा खाने पीने का है, गोलगप्पे खाना हो, चाट खाना हो, चाउमीन खाना हो, ये भेलपूरी वगैरह खाना हो, गोला खाना हो, बर्फ़ का गोला, सो सब कुछ यहाँ पे खाने को मिलेगा। और यहाँ पे इधर के साइड लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इधर वो देख सकते हैं मंदिर काफ़ी दूर है, सो ये अलग एरिया बनाया गया है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। और इधर बच्चों के लिए देखो ट्रैम्पोलिन ये भी बनाया गया है, मतलब है ये झूला है, सो बच्चे यहाँ पे भी काफ़ी खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इसका भी कुछ चार्ज वगैरह चार्ज अलग होगा। भैया कितने रुपए का है ये? 20 रुपए का। अच्छा 20 रुपए में बच्चे यहाँ पे ये खेल रहे हैं, वाह सही है। जूते आप बाहर भी उतार सकते हो मंदिर के, मतलब एंट्री जो गेट है, और यहाँ पीछे भी उतार सकते हो। जैसे हमने पहले बोटिंग कर ली, उसके बाद हम उतार के दर्शन करेंगे, हाथ भी ऊपर धुल लेंगे, हाथ मुंह। और यहाँ देख सकते हो यार सब आ रखे यहाँ पर। सो दोस्तों मैंने भोलेनाथ जी के बजरंगबली के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिया, आज रुद्र अभिषेक भी हो रहा है तो किसी की पूजा हो रही थी वहाँ पे भोलेनाथ के मंदिर में, और प्रसाद भी मिला है मिश्री, तो खा लेते हैं। जय हो बजरंगबली की, जय हो, सो क्यूट। तू भी दर्शन करने आया है। सो दोस्तों जब तक ये टीका ना लगे तब तक अधूरा लगता है, मंदिर में लगता ही नहीं कि आए हो। सो भोलेनाथ का इतना, ये मेरा जो टीका है ना इतना ठंडा लग रहा है माथे में, ये चंदन लगाया ना, बहुत ठंडा लग रहा है माथे पे। और सच में आज जो यहाँ का माहौल है ना वो अलग ही है, मतलब वीकेंड्स में बहुत अच्छा लगता है मंदिर में, लोग दर्शन करने आते हैं और अच्छी बात भी है। सो दोस्तों देखा आपने राधा रानी के पास जो प्रसाद रखा था वहाँ पे किस तरीके से वो डॉगी ने खाया, तो ऐसे ही भगवान में आप जो भी प्रसाद चढ़ाते हो ना, लड्डू चढ़ाते हो या कुछ भी चढ़ाते हो फल वगैरह, सो किसी ना किसी रूप से वो भगवान के पास चला ही जाता है। और यहाँ पे मैं साइड में आ रखी थी तो यहाँ पे कुछ पता नहीं कहाँ के स्टूडेंट्स हैं, तो वो कुछ प्ले भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब जैसे कि किसी को म्यूज़िक का शौक है तो वो म्यूज़िक भी यहाँ पे मतलब गाते हैं और गिटार बजाते हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती रहती है। सो इस बार तो मुझे यहाँ पे फव्वारा भी दिख गया, देखो फाउंटेन है यार, और पता नहीं यार पिछली बार था कि नहीं लेकिन इस बार तो दिख रहा है मुझे चलते हुए, और बहुत सुंदर लग रहा है।
आज तो ये झूले भी बिल्कुल खाली नहीं होने वाले हैं। सो हर झूले में बैठे हुए लोग और हर जगह ना फोटोज और वीडियोस बना रहे, क्योंकि ये बहुत फोटोजेनिक प्लेस में कहूँगी है। सो अगर अभी तक आपने दर्शन नहीं किए बजरंगबली के हनुमान धाम में आकर, सो प्लीज़ आके करिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो भीड़ भाई साहब, सामने से कितनी भीड़ आ रही है चल के। सो मेन जो मैं आई थी यहाँ पे बोटिंग करने आई थी, मुझे बहुत टाइम से मन था, मतलब लिटरली बहुत टाइम से मन था, और आज मैंने कर लिया। और अगली बार आऊँगी तो और देर तक करूँगी, और भाई साहब पूरा बुक करके करूँगी, फ्रेंड्स फैमिली जो भी आएंगे। लेकिन अच्छा बहुत लगा, और यहाँ पे सब गाना बजाना भी चल रहा है। अब थोड़ा शनिदेव मंदिर चलते हैं और आपको शनिदेव का के भी दर्शन कराते हैं। तो ये है हनुमान धाम और यहीं पे शनिदेव का भी मंदिर है, और इधर भी खाने पीने की चीज़ें भर आ हैं थोड़ी बहुत, और ये इधर से इसका रास्ता है। सो चलते हैं। सो सब बहुत पुराना शनिदेव का मंदिर है ये। यहाँ पे शनि भोग भी आपको मंदिर के बाहर ही मिल जाएगा, तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो और उनको चढ़ावा जो है ले जा सकते हो। तो दोस्तों शनि देवता के भी हमने दर्शन अच्छे से कर लिए, और अभी तक ना ये पता नहीं कौन सा चंदन इसने लगाया, इस पर क्या मिक्स रहता है, आई थिंक लोकल वाले ही होता है ना, तो लोकल वाले पता नहीं क्या है, लेकिन ठंडा इतना ज़्यादा कर रहा है कि क्या बताऊँ। सो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा जिसे खचक से दबा कर मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।